सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। देवरिया यूपी बोर्ड परीक्षा में तरकुलवा स्थित एक केंद्र पर प्रथम पाली हाई स्कूल गणित के प्रश्न पत्र में दो रोल नंबरों की दो दो कापियों मिलने से नकलविहीन परीक्षा पर सवाल खड़ा हो गया। डीआईओएस ने मौके पर पहुंचकर अपनी निगरानी में कापियों को सील कराया। डीआईओएस की तहरीर पर केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ तरकुलवा थाने में मामला दर्ज किया गया है, साथ ही केंद्र व्यवस्थापक को बदलने की संस्तुति कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा में मंगलवार को सुबह में हाई स्कूल गणित, इंटर में गृह विज्ञान और द्वितीय पाली में इंटर में औद्योगिक संगठन प्रथम प्रश्न पत्र व कृषि अर्थशास्त्र सप्तम प्रश्न पत्र की परीक्षा थी। तरकुलवा क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज नारायणपुर बंजरिया में पहली पॉली हाई स्कूल गणित के पेपर में उत्तर पुस्तिकाओं को सील करने के दौरान अचानक डीआईओएस पहुंच गए। उन्हें किसी ने इस केंद्र पर गड़बड़ी किए जाने की सूचना दी थी। यहां हाई स्कूल के 237 छात्र पंजीकृत थे, लेकिन जमा करने के दौरान दो रोल नंबर की दो दो उत्तर पुस्तिकाएं मिली। करीब 3 बजे तक यहां से कॉपियां सील बंद होकर मुख्य संकलन केंद्र देवरिया पहुंचाएगी, जहां लेट लतीफी के कारण पहले तो कॉपियां लेने से ही इनकार कर दिया गया। बाद में कंट्रोल रूम के प्रभारी ब्रिज किशोर सिंह के आदेश पर कॉपियां जमा हो पाईं। एक मुन्ना भाई समेत 6 रस्टिकेट मंगलवार को हाई स्कूल गणित के पेपर में जिले भर से एक मुन्ना भाई सहित 5 नकलची पकड़े गए। चंदा देवी इंटर कॉलेज पखा में छात्र गणेश शर्मा के स्थान पर केंद्र व्यवस्थापक ने हसनैन को पकड़कर उसके खिलाफ तहरीर दी। सर्वोदय इंटर कॉलेज गाढ़ा बनकटा में केंद्र व्यवस्थापक ने एक संस्थागत छात्र मातेश्वरी इंटर कॉलेज परशुराम बरडीहा में सच्चल दल 5 के प्रभारी ने एक छात्रा को पम श्री कृष्ण उपाध्याय उमावी। बैरिया घाट फतेहपुर में एक छात्र शहीद मधुबन करामत इंटर कॉलेज खोरीबारी में केंद्र व्यवस्थापक ने एक छात्र एवं सर्वोदय उमावी मुसैला बड़ेहरा में केंद्र व्यवस्थापक ने एक छात्र को नकल सामग्री के साथ पकड़कर परीक्षा से रस्टिकेट कर दिया। पखाम में सीसीटीवी कैमरा खराब। चंदा देवी इंटर कॉलेज पखाम में सीसीटीवी कैमरा खराब होने से यहां खूब मनमानी हो रही है। मंगलवार को यहां एक मुन्ना भाई को भी पकड़ा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने भी जिला कंट्रोल रूम को सूचना दी कि यहां के कैमरे में किसी का चेहरा स्पष्ट नहीं आ रहा है।